जिले के नवागढ़ के राजीव गांधी चौक के पास बुधवार की शाम एक बड़ा हादसा हो गया। अनियंत्रित ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुत्र को गंभीर चोटें आई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक अभय राम गायकवाड़ की घटना में मौत हो गई। वहीं उनका पुत्र मनोज गायकवाड़ गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके चेहरे पर 7 टाके लगे हैं। पूरी घटना चौक पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आरोपी के पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आज यहाँ नवागढ़ में राजीव गांधी चौक पर एक सोनालिका ट्रैक्टर और एक बाइक के बीच में भिड़ंत हुई है, जिसमें 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें हायर सेंटर के लिए रिफ़र किया गया है। और जो चालक है वो जो ट्रैक्टर का चालक है वो ट्रैक्टर को छोड़ के भाग गया है, और उसका जो मालिक है वो उसको हम थाने में अभी पूछताछ कर रहे हैं। दोनों ही चालक और मालिक दोनों ही यहीं नवागढ़ प्रॉपर के हैं, इंदिरा आवास कॉलोनी नवागढ़ के रहने वाले हैं। बेमेतरा से हिमाचल शर्मा की रिपोर्ट।